हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड टुडे। आज संडे है और काफ़ी ब्राइट डे है, साथ में थोड़ी सी ठंड भी है। और आज हम आए हैं टोरंटो ज़ू। तो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड में यहाँ पर थोड़ी बहुत पब्लिक है, अभी फ़िलहाल तो दिख रही है पब्लिक, शायद और भी लोग आएंगे क्योंकि ऐसा है कि अभी विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है। शायद ये लास्ट वीकेंड रहेगा या इसके बाद वाला लास्ट वीकेंड है, और जो कि इतना ब्राइट है, सनी है, टेम्परेचर ठीक ठाक है, 16 डिग्रीज कुछ है अभी फ़िलहाल, तो इस टेम्परेचर में बाहर निकल सकते हैं वरना आगे जाके और भी ठंड बढ़ जाएगी। तो आज हमने सोचा था कि आज ज़ू हो आते हैं, तो आज हम आए हैं टोरंटो ज़ू। आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे एंट्री पॉइंट है ये, तो यहाँ पर हमको अभी टिकट लेना है और अंदर जाना है। तो चलिए देखते हैं कैसा है टोरंटो का ज़ू। हमने इंडिया में घुमा हुआ है, यहाँ का ज़ू देखते हैं, यहाँ के एनिमल्स कैसे हैं। स्टे ट्यून गाइस। हाय, टू एडल्ट्स एंड वन चाइल्ड। सो यू जस्ट स्कैन दिस विल बी ओके। ऑलराइट, थैंक यू। $79.43 फॉर टू एडल्ट्स एंड वन चाइल्ड इंक्लूडिंग पार्किंग। हाँ, रियल है। लो किकरा गोट। उधर है तो हम नहीं फीट करना बा, नहीं प्लीज डू नॉट फीट, वो गलत है, नहीं करना। क्या है, कुछ भी है इसमें, सब खाली बंद है सब। तो अभी हम जब एंटर हुए ज़ू में, तो हमने देखा कि यहाँ पर स्ट्रॉलर्स मिल रहे थे रेंट पे। ये स्ट्रॉलर का है $8 फॉर अ डे। जब आप वापस हम जब एग्ज़िट करेंगे तब यहाँ पर आकर इसको इधर रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉलर्स भी रेंट पे मिल जाएंगे, अगर इनकेस आपने स्ट्रॉलर घर पे आप भूल के आए हो और आपके पास स्ट्रॉलर नहीं है बेबी के लिए, तो आप यहाँ से रेंट पर ले सकते हो। ये $8 पड़ेगा। ये देखिए, जो फॉल सीज़न यहाँ होता है कनाडा में विंटर से पहले, उस सीज़न में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। जितने भी पेड़ हैं सब इस वक्त बिना लीव्स के हैं, बहुत कम लीव्स बचे हुए हैं, वो भी अभी झड़ जाएंगे कुछ दिनों में।
आप देख सकते हो लीव्स, पूरे ड्राइड लीव्स कितने सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। वेलकम टू 2099। पता नहीं इसका लॉजिक क्या है इसके पीछे, वेलकम टू 2099। देखते हैं आगे जाते हैं। अभी तो कुछ खास देखने को मिला नहीं गाइस, तो मैं ऐसे ही वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ बस आप लोग के लिए। ये बोहेड वेल, तो ये बोहेड वेल का रिमेन्स है, जो उसके इसका जो स्केलेटन है वो है वेल का, शायद रियल है ये, ऑब्वियसली रियल ही होगा वरना यार ऐसे क्यों डिस्क्रिप्शन देते इसका यहाँ पर। और ऐसे वाले ऑटोमेटिक जो ट्रॉलीज होते हैं ये भी होते हैं यहाँ पर, $35 कुछ रेंट है उसका, सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छा है वो। उधर उधर है देखो, ये वाले जो आप देख रहे हो ये आर्कटिक वुल्फ है, आर्कटिक वुल्फ। अभी तक सिवाय उस वुल्फ और बेयर के कुछ दूसरा एनिमल दिखाई नहीं अभी तक, एनिमल्स ऑफ डिस्प्ले कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक फाउंटेन, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, वाटरफॉल नॉट फाउंटेन, सिर्फ एक वाटरफॉल है यहाँ पर, एम्प्टी केजेस। डिस्प्ले कुछ भी नहीं है, नथिंग। एक अनार 100 बीमार, अभी तक सिर्फ वुल्फ के अलावा कुछ नहीं दिखा। और देखो ये वुल्फ देखने के लिए भीड़ इतनी लगी हुई है, आधे घंटे से ज़्यादा ही हो गया घूम फिर के, ना कोई बर्ड दिखा ना कोई एनिमल दिखा सिवाय वो पोलार बेयर और वुल्फ के। वो पोलार बेयर भी थके हुए बेचारे सो रहे थे, और ये वुल्फ को देखने के लिए इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। स्नो गूस, सॉरी गाइस, आप लोगों को सिर्फ यही देखने को मिलेगा क्योंकि केज में कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। वेयर आर द बर्ड्स, डिस्गस्टिंग, टोटली वेस्टेज ऑफ मनी।
शायद इसलिए क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, तो बर्ड्स को शायद ये लोगों ने शिफ्ट कर दिया होगा। मे बी वर्थलेस ट्रिप टू टोरंटो ज़ू। अगर आपको ज़ू आना है तो समर में ही आना, विंटर में गलती से भी विंटर में मत आइए, क्योंकि आपको सिर्फ ऐसे ये वुल्फ देखने को मिलेगा। सारे ज़ू में सिर्फ वुल्फ ही दिखा है अभी तक, कुछ और है ही नहीं। दिख रहा अच्छा है कुकी? Hi.